हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा मेडिकल केयर। बहुत से लोग पूरे मोटे नहीं होते, बस उनका पेट निकला होता है और वो इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम अपना बेली फैट कैसे कम करें। आई एम डॉक्टर ज़ैनब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिकल केयर। आज की इस वीडियो में हम ऑनेस्टली उन फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है और आप उन फूड्स का यूज भी कर रहे हैं और उनके यूज से पेट से मोटे भी हो रहे हैं। पेट निकले होने की या बेली फैट होने की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, लाइक बैड पोस्चर, इनअप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड वगैरह। अनहेल्दी फूड से मुराद ऐसा फूड जो आपके बेली फैट को इंक्रीज करता है और ऐसा फूड आपके लिए मुजरे सेहत भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि बेली फैट तब बनता है जब जिगर पर बहुत ज्यादा चर्बी आ जाए और वो चर्बी फैलना शुरू हो जाए और खुद को बाकी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर दे। बेली फैट को विसरल फैट भी कहा जाता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है, क्योंकि ये आपके जिस्म के ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन को मुतासिर करता है। जिस्म के जिन ऑर्गन्स को बेली फैट मुतासिर करता है उनमें शामिल है हार्ट, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स एंड गॉल ब्लैडर। जितना ज्यादा आपका बेली फैट होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको थ्रू आउट द बॉडी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स एंड सूजन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। विसरल फैट बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और बॉडी में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन की वजह बन सकता है। साइटोकाइंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से जिस्म में सोजिश का अमल तेजी पकड़ता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के सेल्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके लिए वेट लॉस करना और भी मुश्किल हो जाता है। बेली फैट की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या बला है? सबसे पहले ये समझें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है। एक आम सेहतमंद इंसान जब कोई भी मीठी चीज खाता है या यूं समझिए जब उसकी बॉडी में ग्लूकोज जाती है तो इंसुलिन नामी हार्मोन पेनक्रियाज नामी ऑर्गन से रिलीज होता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है। फिर जब आपके जिस्म में बेली फैट ज्यादा होगा तो पेनक्रिया से इंसुलिन बेशक रिलीज हो रही होगी लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को रेजिस्ट करेगी, अपना काम नहीं करने देगी। इसी प्रोसेस को मेडिकल साइंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है, जिसमें पेनक्रियास तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है बट आपकी बॉडी उस इंसुलिन को उसका काम नहीं करने दे रही, जिसके नतीजे में बैड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा और आपके जिस्म में ग्लूकोज जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपको डायबिटीज यानी शुगर जैसी बीमारी हो जाएगी। आई होप कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप समझ सके होंगे कि ये क्या होती है। जब हम अपनी डाइट में हाई कार्ब डाइट लेते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि जंक फूड या ऐसा फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर पाई जाती हो, स्टार्च और फ्रुक्टोज वगैरह, तो ऐसे खाने भी आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बढ़ा देते हैं और आपकी बॉडी में लीवर डैमेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके जिस्म में फैट या चर्बी भी बढ़ने लगती है। खाने के अलावा अगर तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइक स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल बोला जाता है, अगर उसकी अमाउंट भी आपकी बॉडी में ऊपर नीचे हो रही है तो भी बेली फैट बढ़ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गई होगी कि जरा जरा सी लापरवाही और अनहेल्दी फूड कैसी कैसी बीमारियों की वजह बन जाते हैं, कैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह है अनहेल्दी डाइट। तो चलिए अब जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो कि बेली फैट कॉज करते हैं, द वर्स्ट 6 फूड्स दैट कॉज विसरल बेली फैट। ये जानने के बाद आई वांट कि अगर आपकी डाइट में ये फूड्स शामिल हैं तो आज से ही इन्हें कट डाउन कर दें। नंबर 1, ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग फूड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में बेली फैट को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये ट्रांस फैट क्या बला है? ट्रांस फैट बेसिकली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स होते हैं, लाइक सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड मार्जरीन वगैरह। इन ऑयल्स में से अगर आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें हेल्दी ऑयल्स लाइक वर्जन ऑलिव ऑयल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ऑयल्स उन खानों को पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो जल्दी पकाने हो, लाइक फास्ट फूड्स, टेक आउट फूड या फिर पैकेज्ड फूड्स वगैरह जो सुपर मार्केट में मिलते हैं। तो लिहाजा ऐसे बाहर से मील्स लेके खाने से इज्तनाब करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हैं सारे ही वेजिटेबल ऑयल पर मसला क्यों है? मसला इसलिए है क्योंकि ये सब के सब हाईली प्रोसेस्ड ग्रेन से बनाए जाते हैं जिनमें सॉल्वेंट्स और केमिकल्स की भारी मिकदार मौजूद होती है जो आपके लीवर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ऐसे खानों में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाया जाता है, आई रिपीट नॉट ओमेगा 3 बल्कि ओमेगा 6, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और फैट आपके जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है और आपके पेट पर चर्बी बढ़ जाती है। Start cooking your healthy meals at home by using cold pressed healthy oils
लाइक एवोकाडो ऑयल, वर्जन ऑलिव ऑयल एंड ग्रास फेड बटर। नंबर टू, ग्रेन्स एंड फ्लोर स्टार्ची फूड्स। ये ऐसे खाने हैं जिनमें स्टार्च की मिकदार मौजूद होती है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो कि शुगर या कार्बोहाइड्रेट की तीसरी किस्म है, जिसमें बेहद शुगर पाया जाता है। इनमें सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन सब खानों का शुगर स्केल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए ये सब खाने खाने के बाद आपके ब्लड में जाके फोरन फ्री शुगर या ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं, और जिसमें एक्स्ट्रा शुगर होने की वजह से वो शुगर फैट में तब्दील हो जाएगी और आपकी बॉडी के फैट सेल्स में एक्सेसिव फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है एंड यू विल गेट बिग फैट बेली इवेंचुअली। होल ग्रेन्स जैसे फूड्स में फाइटिक एसिड पाया जाता है जो आपकी बॉडी के बेनिफिशियल मिनरल्स और आयंस एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी को भी ब्लॉक कर देता है। इन मिनरल्स में जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम शामिल है। इन आयंस के आपकी बॉडी में बेपनाह फायदे और रोल्स हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी इस वीडियो में बताने लगी तो रात हो जाएगी। बेली फैट को कम करना है तो ऐसे खानों को अवॉइड करें जो आपके बेली फैट की वजह बन रहे हैं। नंबर थ्री, फ्रुक्टोज। नाम से तो जाहिर हो रहा होगा कि ये भी एक खास किस्म की शुगर है। ये ओलिगोसैकेराइड शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट की दूसरी किस्म है। जिन जिन फूड्स में ये शामिल है वो ज्यादा अमाउंट में खाने से ये आपकी बॉडी में फ्री शुगर की मिकदार को बढ़ा देती है और फ्री शुगर फिर फैट की शक्ल में स्टोर होने लगती है। HFCS stands for High Fructose Corn Syrup। और HFCS का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि 80% पैकेज फूड्स में HFCS का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके लीवर में बर्डन को बढ़ाता ही है और फ्री शुगर की मिकदार को बढ़ाकर लीवर सेल्स को डैमेज भी करता है, बेली फैट को इंक्रीज करवाता है और साथ ही साथ जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसका जिक्र मैं ऊपर कर चुकी हूँ। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ नहीं आया तो वीडियो के शुरू में दोबारा से जाकर देख सकते हैं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। होता यह है कि फ्रुक्टोज डायरेक्टली आपके लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होती है, जिससे लीवर के मुतासिर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर एनर्जी, ना कि फ्रुक्टोज को। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रुक्टोज नहीं ले सकते, खा ही नहीं सकते, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिहाजा मैं यही कहूंगी, सोडा ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, जैम, सिरप, स्वीट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड्स लेने से पहले उस पर लेबल को चेक करें और फ्रुक्टोज की अमाउंट को जानकर ही बैलेंस अमाउंट में ही इसका यूज करें, क्योंकि इनका ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एंड ट्राई टू अवॉइड दीज फूड्स एंड स्विच टू हेल्दी स्नैक्स, जिसमें हेल्दी स्वीटनर्स लाइक रिथ्रोटोल, स्टीवा एंड मॉन्क फ्रूट वगैरह शामिल हों। नंबर फोर इज सोया प्रोटीन। आइए देखते हैं कि सोया प्रोटीन क्या चीज है। सोया प्रोटीन एक फूड एडिटिव है और इनको प्रोसेस्ड फूड में डाला जाता है। जैसे प्रिजर्वेटिव होते हैं, वैसे एडिटिव भी होते हैं जो उस खाने के असर या लुक को बरकरार रखने का काम करते हैं। ये सोया प्रोटीन्स इनएक्सपेंसिव बट हाईली प्रोसेस्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनको GMO सोयाबीन से बनाया जाता है। अब ये GMO क्या है? GMO प्रोसेस्ड बीन्स को कहते हैं जिनको अद्वियात यानी केमिकल्स और हर्बिसाइड स्प्रेज वगैरह करके बनाया जाता है, जो कि आपके लीवर सेल्स के लिए मुजर सेहत है। डाइट शेक्स, रेडी मील्स, फेक वेजिटेरियन मीट पैटीज एंड इवन सम बेबी मिल्क फॉर्मूलाज में भी इनकी अमाउंट पाई जाती है, लिहाजा सोच समझ के खरीदें और खाएं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताती चलूं वो ये है, मर्द हो या औरत, दोनों में हार्मोनल इम्बैलेंस की एक बड़ी वजह ये सोया प्रोटीन हो सकती हैं, जो आपके लीवर में सोजिश का बाइस बनती है, जिसके नतीजे में आप वेट गेन करते हैं एंड यू ऑल्सो गेन बेली फैट। बेहतर है प्रोसेस्ड प्रोटीन की जगह होल फूड प्रोटीन्स को डाइट का हिस्सा बनाए, होल प्रोटीन्स लाइक मीट, एग्स, फिश और वाटर लेंटिल्स वगैरह। नंबर सिक्स, सोडा ड्रिंक्स। ये तो आप सबने सुना होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स मुजरे सेहत है, मत पिए, लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि सॉफ्ट ड्रिंक के बिना हमारा खाना ही हजम नहीं होता। कुछ हकीकत जान लीजिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कैसे आपके बेली फैट की वजह बन रही हैं। देन चॉइस इज योर्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ढेर सारा शुगर होता है और जस्ट गैस होती है। ये ड्रिंक्स 0% बेनिफिशियल और 100% हार्मफुल होती है। सॉफ्ट ड्रिंक से गैस उड़ जाए तो बस ये शीरे की तरह मीठी होती है, जिनमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो आपके स्टमक के इर्द गिर्द फैट को जमा करता है। ये डाइट कोक, शुगर फ्री ड्रिंक्स, इट्स जस्ट अ ड्रामा। ये सब भी आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली फैट को जमा करने का काम करती हैं। इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पाए जाते हैं लाइक एस्पार्टेम एंड सुक्रालोस, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके ब्रेन के BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं। ये ड्रिंक्स आपके ब्रेन के उन सिग्नल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर देती हैं जो आपको बताते हैं कि खाना बस कर दो, पेट भर गया, और जब आपको ब्रेन से सिग्नल मिलता ही नहीं तब आप खाई जाते हैं और रिजल्ट इन बिग फैट बैली। यही वजह है कि जंक फूड्स और ऐसे स्नैक्स और ड्रिंक्स आपको एक्सट्रीमली हंग्री फील करवाते हैं और आपको हर वक्त भूख लगी रहती है।
ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके गट में मौजूद फ्रेंडली गट माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं, साथ ही साथ लिवर डैमेज, वेट गेन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी करवाने का भी बाइस बनते हैं। अगर आपको सोडा ड्रिंक की क्रेविंग होती है तो खुद ही सोडा ड्रिंक बनाएं। ऐड कार्बोनेटेड वाटर एंड ऐड सम बेरीज एंड अ लिटिल स्टीविया, जो कि एक काइंड ऑफ शुगर है बट नॉट हार्मफुल। इस तरह से आप बिना शुगर्स एंड हार्मफुल केमिकल्स के ही एक हेल्दी सोडा ड्रिंक बना सकते हैं और पी सकते हैं। नंबर 6, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर हाईली फॉरबिडन। मुस्लिम ममालिक में अल्कोहल पीने का तनासुब कम है या ना होने के बराबर है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जैसे कि वेस्ट, वहाँ अल्कोहल यूज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर बट इट इज हाईली हार्मफुल। अगर कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स रेगुलरली पी रहा है तो ऐसे लोगों में विसेरल एंड सबक्यूटेनियस दोनों तरह के फैट बढ़ने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल आपके लीवर पर बर्डन को बढ़ाता है और आपके लीवर सेल्स को डैमेज करता है। जैसे कि मैं बताती चलूं, अल्कोहल एक सॉल्वेंट है, लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है या इसको बॉडी से निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इस सिलसिले में अल्कोहल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाता है, फिर वो छोटे पार्टिकल्स आपके लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे आपके लीवर में सोजिश बढ़ जाती है और आपके लीवर की फैट और शुगर को सही तरह मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल के यूज से आपको फैटी लीवर डिजीज भी हो सकती है। फैट आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में बिल्डअप होने लग जाता है, इस तरह ऑर्गन्स के बीच भी स्पेस कम होने लगती है और ऑर्गन्स एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, जिसके नतीजे में आपकी बैली निकल आती है। अगर आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, साथ में फ्रुक्टोज, शुगर, प्रोसेस्ड ग्रेन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जहां से लीवर ना तो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकेगा, ना डिटॉक्सिफिकेशन, ना ही बॉडी के लिए फ्यूल प्रोसेस कर सकेगा, और फिर लीवर से फ्लूइड लीकेज स्टार्ट हो जाएगी और आपके पेट में पानी बढ़ जाएगा, जिसको एसाइटिस कहते हैं, और बैली फैट भी बढ़ जाएगा। अगर आपका भी बैली फैट बढ़ रहा है तो अपनी डाइट पर तवज्जो दें और फाइंड करें कि मसला कहाँ है। साफ सुथरा नेचुरल हेल्दी खाना खाएं ताकि डायबिटीज, हार्ट अटैक और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकें। बाकी खुद को स्ट्रेस से बचाएं। कभी कभी स्ट्रेस लेना इज ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म उस स्ट्रेस को अपने ऊपर या अपनी बॉडी पर तारी कर लेना गलत है। इमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेस सिचुएशन में हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तब वो आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स को शुगर में कन्वर्ट करके आपको इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में मुकाबला कर सकें। अब जब आप होंगे ही ऑलवेज इन स्ट्रेस, ये हार्मोन हर वक्त रिलीज होगा और बॉडी में शुगर्स बढ़ने लगेंगी, जिसके नतीजे में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा जो शुगर्स को रिमूव करेगा और बॉडी फैट में तब्दील करेगा, और वो फैट आपके स्टमक के इर्द गिर्द जमा हो जाएगा। सो इफ यू आर ईटिंग वेल लेकिन स्टिल वेट लूज नहीं कर रहे तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें ताकि कॉर्टिसोल की रिलीज स्टॉप हो और आपकी बॉडी में शुगर एक्यूमुलेट होना बंद हो। आई रिकमेंड डेली 45 मिनट्स वॉक करें हल्के तेज कदमों से इन फ्रेश एयर एंड सनशाइन। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा और आपकी बॉडी का फाइट सिस्टम टर्न ऑफ होगा और आप वेट लूज भी कर सकेंगे। स्टडीज शोड कि अगर आप स्लो, गुड एंड काम म्यूजिक सुनते हैं जो कि 60 बीट्स पर मिनट की फ्रिक्वेंसी का हो, यह आपकी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करेगा, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा और कॉर्टिसोल लेवल्स भी कम होंगे। आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे तरीके जिससे आप बस आंखें बंद करें, सांस अंदर बाहर लें और क्लोज योर आईज और अपने जहन में झांकें और सुकून महसूस करने की कोशिश करें और एक ही पॉइंट पर फोकस करें। साथ ही साथ रोजाना 8 घंटे की स्लीप मस्ट लें। वक्त पर और अच्छे से सोना आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन को बढ़ाता है, जिससे आपको फैट बर्न करने में मदद मिलेगी। होप सो आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फार्मा मेडिकल केयर।